नमस्कार दोस्तों, ऑटो कंपेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपके लिए कंपैरिजन लाए हैं एक पेट्रोल कार और एक इलेक्ट्रिक कार के बीच में, जहां पर पहली गाड़ी का नाम है कि यह सेल्टोस और दूसरी है टाटा की नेक्सॉन की ईवी वेरिएंट। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्राइसिंग एंड वेरियंट्स के साथ। तो किया की सेल्टोस की कीमत शुरू होती है लगभग 8 लाख रुपए से और टॉप वेरिएंट की कीमत जाती है लगभग 17.5 लाख रुपए तक, और ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल ऑप्शन के साथ आती है। वहीं बात करें टाटा की नेक्सॉन ईवी, तो इस गाड़ी की कीमत शुरू होती है 13 लाख रुपए से और टॉप मॉडल की कीमत जाती है लगभग 16 लाख रुपए तक, और ये गाड़ी सिर्फ इलेक्ट्रिक वेरियंट में आती है जो कि 100% क्लीन एनर्जी पर काम करती है। बात करें आज के इस वीडियो में हमने दो मॉडल्स लिए हैं कंपैरिजन के, जहां पे हमने किया सेल्टोस का लिया STX+80 डीजल मॉडल जिसकी कीमत है 16,34,000 रुपये, और वहीं हमने टाटा की नेक्सॉन ईवी के लिए XZ+ लग्जरी मॉडल जिसकी कीमत है 16 लाख रुपये। तो लगभग सेम प्राइस की दोनों गाड़ियां हैं, हालांकि 34,000 महंगी हैं किया सेल्टोस। बात करें यहाँ पर दोनों गाड़ी की डिज़ाइन, तो दोनों गाड़ी SUV कार्स हैं जिसमें आपको दोनों में सनरूफ देखने को मिल जाता है। आपको किया कि सेल्टोस से 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और 430 L का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। वहीं टाटा की नेक्सॉन ईवी में आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और आपको 350 L का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। बात करें इंजन एंड पावर परफॉर्मेंस के मामले में, तो आपको किया कि सेल्टोस में 1493 cc का BS6 फोर सिलेंडर डीजल इंजन देखने को मिलता है जो कि जनरेट करती है 113 bhp का पावर, और ये टू व्हील ड्राइव कार है। वही बात करें हम लोग टाटा की नेक्सॉन ईवी, तो इसके अंदर इंजन नहीं देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक मोटर देखने को मिलता है जो कि 3-phase परमानेंट मैग्नेट साइक्लिस्ट मोटर है, और ये गाड़ी जनरेट करती है 127 bhp का पावर, और दोनों ही गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिटेड है। तो बात करें ज़्यादा पावरफुल कौन सी गाड़ी है, तो एब्सोल्युटली टाटा की नेक्सॉन ईवी लगभग 12 bhp ज़्यादा पावर जनरेट करती है किया सेल्टोस से। बात करें यहाँ हम लोग फ्यूल परफॉर्मेंस के मामले में, तो एक बार फिर से आपको किया सेल्टोस में 50 L का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है और नेक्सॉन ईवी में फ्यूल टैंक नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि भाई साहब ये एक इलेक्ट्रिक कार है। लेकिन आपको इसमें 13.2 kWh का लिथियम आयन बैटरी पैक देखने को मिलता है, जिसको आप अपने घर पर और फास्ट चार्जिंग के जरिए भी चार्ज कर सकेंगे। एक बार ये गाड़ी फुल चार्ज होने पर लगभग आपको 310 km तक का शानदार रेंज देती है, और बैटरी पर आपको 8 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। बात करें यहाँ पर हम लोग इंजन कंपनीज, मतलब कौन से ट्रांसमिशन करती है, तो किया सेल्टोस BS6 सर्टिफाइड कार है। वही बात कर ले टाटा नेक्सॉन ईवी, ये ZEV प्लेटफॉर्म पे काम करती है जो कि जीरो इमिशन व्हीकल कहते हैं, जो कि 100% क्लीन एनर्जी होती है। हालांकि BS6 भी हमें पॉल्यूशन से थोड़ी बहुत राहत दिला देती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी हमें ZEV व्हीकल्स देती है जैसे कि टाटा नेक्सॉन ईवी, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक कार होती है। बात करें एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन के सेक्शन में, तो आपको किया सेल्टोस में 10 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले, वहीं आपको टाटा की नेक्सॉन ईवी में 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलता है। दोनों ही गाड़ी एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले सपोर्ट करती है। दोनों गाड़ी में आपको 8 स्पीकर्स देखने को मिल जाता है जो कि सफ़र को काफ़ी ज़्यादा सुनहरा बना देती है। बात करें सेफ्टी, तो सबसे पहले मैं बता दूं कौन कौन सी फीचर्स दोनों गाड़ी में सेम देखने को मिल जाती है। तो दोनों ही गाड़ी में आपको 2 एयरबैग्स, ABS, EBD, सेंट्रल लॉकिंग, क्रैश सेंसर, रियर कैमरा, एंटी थेफ्ट अलार्म जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब हालांकि किया सेल्टोस में कुछ एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलते हैं, मैं आपको गिनाता हूँ। स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, टायर प्रेशर मॉनिटर, और पीछे की तरफ AC वेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं किया की सेल्टोस में। वहीं बात करें ये जो 3 फीचर है आपको टाटा नेक्सॉन ईवी में मिसिंग है, पर हाँ टाटा नेक्सॉन ईवी में कुछ फीचर एक्स्ट्रा है, जैसे कि व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम जो फीचर है वो आपको टाटा की नेक्सॉन ईवी में एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, जो कि हमें यहाँ पर किया सेल्टोस में नहीं देखने को मिलता है। अब दोस्तों ऑन रोड प्राइसिंग क्या है आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। दोस्तों इन दोनों ही गाड़ी के बीच एक कड़ा कंपटीशन होता है, लेकिन अगर हम बात करें कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है और देखो ज़्यादा बेहतर है, तो ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ है हमारी पेट्रोल और डीजल पावर्ड कार और दूसरी तरफ है हमारी इलेक्ट्रिक कार। तो सबसे पहले आपको आपके मन में ये डाउट क्लियर करना होगा कि क्या आपको पेट्रोल गाड़ी चाहिए, क्या आपको एक टाटा नेक्सॉन की एक इलेक्ट्रिक कार चाहिए। आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद आ रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप पेट्रोल लेंगे या इलेक्ट्रिक, ये भी बताएं कमेंट बॉक्स में। और दोनों में से कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, तो मैं बता दूं टाटा नेक्सॉन ईवी आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कार साबित होगी, क्योंकि अगर आप किया सेल्टोस लेते हैं तो आपको बार बार इस गाड़ी को मेंटेनेंस कराना पड़ेगा। लगभग साल भर में आपको इसका इंजन सर्विसिंग कराना पड़ेगा, आपको फ्यूल प्राइसेस का कॉस्ट भरना पड़ेगा।
और दोस्तों वहीं आपको टाटा की नेक्सॉन ईवी में एक बार आपने गाड़ी ले ली तो आपको 8 साल तक पेट्रोल प्राइसेस की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 8 साल बाद आपको इसकी बैटरी रिप्लेसमेंट करानी पड़ेगी। अब बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना आता है तो इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है लगभग 4-4.5 लाख रुपये के आसपास, या फिर इससे कम भी हो सकती है मेरे दोस्त, इससे कम भी हो सकती है। तो इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा जल्दी, जिसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी प्राइसेस की भी बात करेंगे। तो यार यहाँ पे हम लोग बात करें कौन सी गाड़ी ज़्यादा चीप साबित होती है, तो वह टाटा की नेक्सॉन ईवी। दोनों में से कौन सी आपकी गाड़ी ज़्यादा पसंद है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ऑटो कंपेयर को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय, एंड सब्सक्राइब ऑटो कंपेयर।